गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, मैं वीडियोज बनाती हूँ रिलेटेड टू मेकअप ट्यूटोरियल्स, हॉल्स, फैशन, यू नो, हॉल्स करती हूँ क्लोथिंग का कभी कभी। सो टूडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट माई मेकअप हॉल, एक्चुअली मेकअप, स्किन केयर एंड हेयर केयर हॉल। मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मैंने बहुत माइंडफुली खरीदा है, तो इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग हॉल, बट छोटा सा है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट और आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। बिकॉज सीरियसली, सारे के सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके यूज में आ सकते हैं। और अब मैं आपको बता दी हूँ फाइनली मैंने लिया क्या क्या है। सो एक्चुअली मैंने ये सब लिया है इन द नायका पिंक समर सेल, जो कि अभी 5th of May से थी, मैंने उसमें ये लिया है। एंड गेस वॉट, आज सब डिलीवर भी हो गया। सो आई वॉज लाइक, एक्चुअली कुछ आइटम कल भी डिलीवर हो गए थे, कुछ आज हुए, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो गाइज, स्टार्टिंग ऑफ विथ समथिंग विच इज सो इम्पॉर्टेंट, सो ये चीज जो है, दिस इज द इंडल्जियो एसेंशियल्स लग्जरेंट हेयर विटिलाइजर। एक्चुअली ये कल आ गया था और मैंने यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो। सो लाइक मैं बता रही हूँ, मैंने हेयर ट्रीटमेंट कराया था एंड आई वॉज हैविंग अ मेजर हेयर लॉस, और फिर मैंने इसको यूज करना शुरू करा एंड इट इज सो ईजी टू यूज, बिल्कुल भी आपके ऑयली स्कैल्प को ऑयली नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, एंड इट इज सो 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 ईजी। मैं आपको बताती हूँ उसको यूज कैसे करना है। सो आपको इस तरह से पंप में लेना है एंड यू जस्ट ड्रॉप इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हेयर इस तरह से, दिस इज वॉट आई डू, एंड देन जस्ट मसाज इट ऑफ। ये पूरा का पूरा सोख लेगा, पूरा का पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा एंड आपको इसमें डेफिनेटली जल्दी से जल्दी यू नो अंतर दिखने लगेगा। दिस इज रियली रियली मस्ट इन्वेस्ट काइंड ऑफ थिंग। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इंडल्जियो मुझे कभी कुछ भेजता भी नहीं है, बट ऑनेस्टली इससे काफ़ी हेयर्स में मेरे इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट द टेक्स्चर इज ऑल्सो वेरी नाइस, टेक्स्चर भी आपका इम्प्रूव होता है। पर मैं इसको स्कैल्प में यूज करती हूँ एंड सीरियसली काफ़ी अंतर आ गया है। सो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्टेड, मुझे ये खरीदना था इसलिए मैंने खरीदा। दिस वॉज लाइक इन माई बाय लिस्ट, और क्योंकि सेल आ गई थी तो मैंने ले लिया। नाउ अगेन, जो दूसरी चीज़ है, दिस इज काइंड ऑफ वेरी वायरल काइंड ऑफ थिंग, एक सनस्क्रीन जो कि बहुत कूलिंग इफेक्ट देती है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। सो दिस इज द डॉट इन की स्किन केयर वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन विथ SPF ऑफ 50 NPA SSS+। तो मैंने अभी लेटली, यू नो, जब मैं मेकअप के वीडियोस बनाती हूँ, स्किन केयर के वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे ये समझ में आ गया है कि सनस्क्रीन इज द अल्टीमेट थिंग। अगर आपको एंटी एजिंग नहीं चाहिए, आपको अपनी स्किन अच्छी चाहिए, तो इसलिए तो आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर रियली नाइस सनस्क्रीन्स। तो इसलिए मुझे ये ना थोड़ी वायरल चल रही थी अभी, काफ़ी इसके वीडियोज आ रहे थे, नो वाइट कास्ट, वेरी कूलिंग और ये सब, तो इसलिए मैंने ये सनस्क्रीन ली है। दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक, और आप देख सकते हो दिस इज SPF ऑफ 50 PA SSS+, और इसमें विटामिन डी अब्जॉर्प्शन है, नो वाइट कास्ट। तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा वो दिखाती हूँ टेक्स्चर, दिस इज हाउ द टेक्स्चर इज, आप देख सकते हो, एंड दिस इज सो मैट। मैंने इसको यूज किया है एंड ये देखो, एवरीथिंग इज जस्ट अब्जॉर्ब्ड वेरी वेरी नाइसली। बिल्कुल भी आपको ना वाइट कास्ट भी नहीं मिलेगा और ना ही बहुत ऑयली ग्रीसी वो मिलेगा। एक्चुअली इसमें एक और वेरिएंट आता है जो कि विटामिन सी वेरिएंट है, और वो आई थिंक फॉर ड्राई स्किन है एंड दिस इज प्योरली फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो ये चीज मैंने ली थी आउट ऑफ यू नो क्यूरियोसिटी कि एक्चुअली क्या है, बट एक्चुअली आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वेरी वेरी नाइसली। और अगर ये चीज आपको एक सनस्क्रीन के बेनिफिट दे सकती है, देन व्हाई नॉट। फिर उसके बाद गाइज मैंने लिया है ये, दिस इज सो ये चीज जो मैंने ली ना, दिस वॉज अराउंड आई थिंक 65% or 70% ऑफ में थी। दिस इज द रेने की गोल्डन आर आई शेडो पैलेट, ये मैंने लिया है एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज, इस तरह से वेरी छोटू एंड इस तरह से इसके सारे कलर्स हैं। द रीजन ऑफ मी बाइंग दिस इज सिंपल, क्योंकि मुझे छोटे पैलेट चाहिए थे और मेरे बहुत सारे पैलेट थे जो कि इन शेड्स में थे, लेकिन वो एक्सपायर भी हो रहे थे, तो आई वॉज लाइक लेट मी इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज न्यू, आई वॉन्ट टू ट्राई इट आउट एंड ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, तो इसलिए मैंने ये लिया। और जब मैंने इसको थोड़ा सा वो किया है तो आप देख सकते हो दिस इज क्वाइट पिगमेंटेड,
इन सब की मैं डिटेल्ड रिव्यू वीडियोस भी बनाऊंगी. अभी एक दो बार इनको यूज़ कर लूँ, सो आप देख सकते हो इट इज़ क्वाइट पिगमेंटेड. एंड ये थोड़े मेटालिक शेड्स हैं, ग्लिटर शेड्स इसमें कोई नहीं है, सारे के सारे मेटालिक शेड्स हैं एंड मैट शेड्स हैं, विच आई थिंक विच इज़ नेसेसरी फॉर द फेस्टिवल्स. जो आपका अभी वेडिंग सीजन चल रहा है उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छे शेड्स हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो, आई विल गिव यू द लिंक एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, वहाँ से ले सकते हो. दिस एक्चुअली रिटेल्स फॉर 750, पर मुझे ये सेल में मिला फॉर 299, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल आई थिंक. और फिर उसके बाद गाइज, दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं बोल के ना मतलब आप लोग को भी बोर कर दिया है. माई पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिलैक्सेस मी, इट इट इज़ अ रेमेडी फॉर मी जब मुझे माइग्रेन होता है, एंड समथिंग विच इज़ वेरी प्लेजेंट. मतलब जब भी यू नो अजीब सा लगे, यू जस्ट नीड टू स्मेल दिस एंड इट्स वेरी नाइस. आप इसको हेयर्स में लगा लो, आपको काफ़ी रिलैक्सड लगेगा. आपको बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, जस्ट पुट इट ऑन हेयर एंड यू फील मच मोर रिलैक्स. एक दो ड्रॉप्स, मतलब अगर आप ये एसेंशियल ऑयल ले लो, इट गोज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग वे. अराउंड 6 महीने आपके आराम से कट जाएंगे. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वेंट फॉर. इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, बट दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड, तो इसलिए मैंने ये दिया. ओके, एंड देन मूविंग ऑन टू समथिंग विच आई एक्चुअली बॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मुझे था कि यार ये क्या है, कैसा है, इसलिए. सो वन थिंग इज दिस, दिस इज द स्विस ब्यूटी ऑन द मूव लिप पैलेट, ये मैंने लिया है. इसमें 9 colors हैं, हाईली पिगमेंटेड, लॉन्ग लास्टिंग एंड क्रीमी मैट. दिस इज नॉट प्रॉपर मैट बट क्रीमी मैट. और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या. दिस इज अ लिप पैलेट जिसमें कि आपको 9 shades मिलते हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये देखो आप, ये इस तरह के शेड्स आपको मिलेंगे. द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस पैलेट इज गाइज, दिस इज वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव, क्योंकि ये हार्डली कितने का था, आई थिंक दिस वॉज फॉर 100 something. दिस इज एक्चुअली 249 इसमें लिखा है, बट मुझे ये आई थिंक 199 या ऐसे कुछ मिला है इन द सेल. एंड ऑल्सो इसमें जो शेड्स हैं, दीज आर ऑल काइंड ऑफ शेड्स. लाइक आपको इसमें एक प्रॉपर पिंक भी मिलेगा, डार्क ब्राउन भी मिलेगा, आपको इसमें एक ये यू नो लाइक अ प्रॉपर रेड भी मिलेगा. सो एंड आपको ऑरेंज चाहिए कोरल टाइप का, तो वो भी मिलेगा. सो यू कैन प्ले विथ कलर्स, मिक्स एंड मैच हेयर एंड देयर, एंड यू कैन जस्ट यूज दिस पैलेट. आई नो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में ट्रांसफर प्रूफ और ये सब इस तरह का नहीं होगा, बट अगर आप बिगनर हो और या फिर आप उतना ज़्यादा लिपस्टिक लवर नहीं हो, बट यू वांट टू डैब इट और इस टाइप का, तो देन इट्स अ ग्रेट पैलेट. आई विल डू अ डिटेल रिव्यू ऑफ दिस वेरी सून. सो दिस इज समथिंग दैट आई बॉट एंड आई क्वाइट लाइक इट, क्योंकि इसका जो आप पिगमेंटेशन देख रहे हो, दिस इज वेरी नाइस एंड दिस इज इन द शेड ऑफ रेड्स. ऐसे इसमें पिंक के 3-4 shades हैं, ऐसे इसमें ब्राउन के 3-4 shades हैं, विच इज़ वेरी नाइस. आई लव्ड इट. Then guys, I went for this amazing concealer because foundation से ज़्यादा concealer use होता है in the month of May and April and June, because इतना ज़्यादा humidity और सब रहती है, so you want something जो कि टिका रहे. So this is high coverage concealer from Faces Canada. This has shea butter and vitamin E, and I'm just gonna show you the packaging. So इस तरह से आया, and this was something for ₹200 only, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, 299 का था. और कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट भी होगा. आई विल गिव यू द लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से देख सकते हो. सो द शेड विच आई बॉट इज हनी क्रेम, और ये आप देखो, दिस इज हाउ द शेड इज. दिस इज अ वेरी नाइस कंसील लाइटिंग शेड फॉर मी. अगर मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाऊँ, अभी मेरे फेस पे वैसे कोई भी मेकअप नहीं था ऑनेस्टली, एंड इस तरह से, एंड आई जस्ट ब्लेंड इट आउट विथ माई फिंगर्स. आई विल गिव यू अ डिटेल रिव्यू इफ यू वॉन्ट. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको किस किस का डिटेल रिव्यू चाहिए, आई विल ट्राई एंड गिव यू. सो इस तरह से आप देख सकते हो, इट इज़ क्वाइट अ हाईलाइटिंग कंसीलर फॉर माई स्किन टोन. और एक्चुअली मेरा पर्पज भी यही था कि मुझे एक हाईलाइटिंग अच्छा सा कंसीलर चाहिए. सो या थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड करेंगे फुल मेकअप के साथ तो बहुत अच्छा जाएगा, बट आई क्वाइट लाइक द फिनिश एंड एवरीथिंग. तो अभी तक तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, सो ये मैंने लिया. सो या दिस वाज ऑल जो कि मैंने लिया, वेरी छोटू सा, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा. आई विल गिव यू द लिंक एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, वहां से जाके आप ले सकते हो. इफ यू वॉन्ट टू सी द डिटेल रिव्यू ऑफ एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मैं डेफिनेटली करूंगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को. आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन दिस इज मी अंकिता. Saying goodbye. Ta-da.